नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुन गोलीबारी कर दी। इस घटना में एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की गोली लगने से मौत हो गई। चेतन नाम की कांस्टेबल ने फायरिंग की, जिसे मीरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएफ जवान द्वारा फायरिंग करने की वजह भी पता नहीं चल सकी है। मामले की जाँच चल रही है। घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे के करीब को घटी। ट्रेन के B5 कोच में ये फायरिंग हुई। फायरिंग में 4 लोगों को गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि फायरिंग होने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और उसके सीनियर एएसआई में किसी बात को लेकर तनातनी और कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कांस्टेबल ने गुस्से में आग बबूला होकर ताबातोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग पालघर मुंबई के बीच दहीसर इलाके में ट्रेन में हुई। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन को मानसिक तनाव में बताया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।